प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स के साथ आपकी होस्ट आलिया आपके सामने। पाकिस्तान से बहुत ही बुरी खबर आ रही है, एक और बुरी खबर अगर ये कहा जाए तो सही होगा। इसकी वजह यह है कि BLA के पाकिस्तान नेवल बेस पर हमले के चंद घंटों के बाद ही अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान KPK प्रोविंस में 6 चाइनीज इंजीनियर्स को एक खुदकुश धमाके में मार डाला गया है। तो 6 चाइनीज इंजीनियर्स एक खुदकुश धमाके में मारे गए हैं और चाइना की तरफ से एक डिमांड की गई है कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाए और देखा जाए कि क्या हुआ है। चाइना की तरफ से एक बड़ा सख्त रिएक्शन सामने आ रहा है जिसमें उनकी अथॉरिटीज़ ने एक डिमांड लॉन्च की है और उसमें पाकिस्तान की हुकूमत से ये कहा है कि ये वाकया कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है और इसको जो है देखा जाए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाए। वैसे तो मैं इसके ऊपर ये कहूँगी कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा। इसकी वजह यह है कि क्या चाइना ये नहीं जानता कि इस वाकये के पीछे कौन है? क्या चाइना को ये नहीं पता कि ये वाकया कैसे हुआ या कोई ये नया वाकया है? इसकी वजह यह है कि चाइनीज़ पर तो धमाके होना, उन पर अटैक होना, उनको टारगेट किया जाना, ये कोई नई बात तो है नहीं। इसकी जो जिस जगह पर ये वाकया हुआ, दासू डैम, क्योंकि ये चाइनीज़ इंजीनियर्स काम करते थे दासू डैम पर और वहीं पर अपने काम के लिए जा रहे थे कि जब एक खुदकुश मवाद था उस गाड़ी में या उस गाड़ी का के अंदर खुदकुश बमबार भी था, उसने आकर अपनी गाड़ी उनसे टकराई और उसके बाद वो 6 के 6 चाइनीज़ इंजीनियर्स और ड्राइवर समेत, ड्राइवर पाकिस्तानी था, वो सब के सब मारे गए। तो चाइना को मालूम है कि ये तो पहले भी होता रहा। अच्छा, जब दासू डैम का वाकया हुआ था उस वक्त भी चाइना की तरफ से जो है एक काफ़ी ऐसा रिएक्शन आया था, बल्कि कहा गया कि ये तो बड़ी नाराज़गी हो गई है। तो अब क्या होगा? इसकी वजह ये है कि इस वक्त चाइना पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर जब हम बलूचिस्तान की गवादर की बात करते हैं, तो वहाँ पर उनके चाइनीज़ इंजीनियर्स बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं और आए दिन उनके ऊपर हमले होते रहते हैं। अब ये एक बड़ा वाकया और हो गया है। अच्छा, अब ये भी याद रखिएगा कि जब BLA का हमला हुआ नेवल बेस पर, तो उसके साथ ही ये खबरें भी आती रहीं कि वहाँ पर चाइनीज़ हाउसिंग सोसाइटी थी या चाइना के वहाँ पर वर्कर्स जो है वो भी रहते थे। तो ये भी कहा जाने लगा कि ये जो हमला हुआ है ये असल में उन्होंने चाइनीज़ के ख़िलाफ़ ही किया। अब इसके अंदर हिस्ट्री ये है कि BLA और कुछ और ग्रुप्स वो ये कहते हैं और समझते हैं कि गवादर में, बलूचिस्तान में जिन सोर्सेज पर उनका हक है, वहाँ पर चाइना जो है वो अपनी अजादादारी कायम कर चुका है और वो चाइनीज़ के वहाँ पर कब्ज़े या चाइनीज़ के वहाँ पर काम करने या उनके रिसोर्सेज पर उनका कब्ज़ा होने के ख़िलाफ़ हैं। वो इसको इस तरीके से लेते हैं कि ये तो ज़मीन हमारी है, तो चाइनीज़ जो हैं वो यहाँ पर आकर जो है इसके ऊपर बैठ गए। बल्कि हमने आपको काफ़ी पहले जो प्रोग्राम किया था उसमें वहाँ पर जो ट्रॉलर्स हैं जो कि मछलियाँ पकड़ने जाते हैं लोग, जो फ़िशरमैन हैं, उनको भी बड़े एतराज़ आते हैं। वो कहते हैं बहुत बड़े बड़े ट्रॉलर्स यहाँ पर आ जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, उसमें बहुत सारे हैं और उसमें चाइना का नाम भी जो है इस तरीके से लिया जाता है। तो ये अब एक और बड़ा हमला हो गया है और ये हालात किस तरफ जा रहे हैं ये तो समझ में ना आने वाली बात है। इसकी वजह ये है कि चंद ही घंटे हुए थे अभी तो खबरें सिर्फ वो पहले वाले हमले की आ रही थी, जो BLA की तरफ से हमला किया गया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो हमला किया गया नेवल बेस पर, अभी तो पूरी रात उसी की जंग जारी रही है, दुबदू जंग हुई है कई घंटों तक, 6-8 घंटे, पता नहीं कितने घंटे वो जंग जारी रही। कहा गया वहाँ पर बाकायदा जो है ऊपर हेलीकॉप्टर्स आ गए और एक जंग का माहौल नज़र आ रहा था, इस तरीके से वो एक आवाज़ें आ रही थी, धमाके हो रहे थे। तो कितने, अभी तो वो ही जारी था कि उसके बाद ये वाला हमला हो गया। और इसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो फ़ौरन पहुँचे वहाँ पर चाइनीज़ के पास, वहाँ पर एम्बेसी में, और उन्होंने उनसे जाहिर है कि क्या सॉलिडारिटी का इजहार किया। मतलब इससे क्या हो जाएगा? मुझे ये समझ में नहीं आती कि फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर के या किसी के पहुंचने से जो है, वैसे तो एम्बेसडर जाता होता है ऐसी सिचुएशन में पहुंचता है, लेकिन आपको पता ही शहबाज शरीफ साहब तो फौरी तौर पर, मतलब आप उनकी वो तो फिर जानते हैं एफिशिएंसी उनका, नहीं वो सबसे पहले जो है वहाँ पर पहुँचेंगे, वो पहुँच गए। लेकिन वही एक सवाल कि इसका क्या किया जाएगा? अब देखिए, अगर इसको ये कहा जाए कि इसको रोक लिया जाएगा, तो रोकने में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा।
रुकता हुआ तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि कोई ऐसी सिचुएशन है। इस वाक्य के बारे में रॉयटर्स और एपी न्यूज़, डीडब्ल्यू, हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है। और इसमें डीडब्ल्यू पर इस तरीके से पब्लिश किया गया है, दी सीनियर पुलिस ऑफिसर जो कि वहाँ पर सारी उसको देख रहा है, उसने ये बताया है कि विक्टिम्स हैड बिन ट्रैवलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू देयर कैंप इन दासू इन दी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस विच इज़ दी साइट ऑफ दी दासू डैम। और उसमें फिर ये हुआ है कि जो जिस जगह पर ये हमला हुआ है वो क्योंकि माउंटेन्स हैं और वो सड़कें ऐसी हैं कि बड़ी ही मुश्किल सड़कें हैं जिगजैग बनाती हुई, और वहाँ पर इससे पहले जो है वो 2021 में भी एक ऐसा ही वाकया हो चुका है। तो दूसरी तरफ से एक गाड़ी आई और उसमें बारूदी मवाद था और खुदकुश भी था, गाड़ी जो है वो टकराई है उनसे, उनकी गाड़ी से, और धमाका हुआ है और वो सब के सब मारे गए हैं। इसके अंदर कुछ जगहों पर ये भी आ रहा है कि 5 चाइनीज इंजीनियर्स, तो इसका मतलब है कि अगर 6 ड्राइवर है, छठा पर्सन जो है वो ड्राइवर है, तो फिर 5 चाइनीज इंजीनियर्स हैं या फिर 6 चाइनीज इंजीनियर्स हैं और एक ड्राइवर भी मारा गया है। बहरहाल जो भी है। अच्छा, उसके अंदर जो केपी के है ये भी याद रखिए कि उसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी है। तो अब इस सिचुएशन में कि जब टीटीपी की तरफ से हमले पर हमला हो रहा है, खुद कुछ आके फट रहे हैं, उड़ उड़ के आ रहे हैं जैकेटें पहन पहन के और जगह जगह फट रहे हैं, तो ये वाला जो क्या ये टीटीपी की तरफ से किया गया है, तो इस सिलसिले में अभी तक किसी भी ग्रुप ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की। तो जैसे ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की जाएगी पता चल जाएगा कौन सा ग्रुप ये कह रहा है कि जनाब ये हमने किया है। इसकी वजह ये है कि देखें पाकिस्तान में जब भी कोई हमले होते हैं तो कभी BLA की तरफ से क्लेम कर दिया जाता है। अब इससे पहले जो हमला हुआ हमने आपको बताया था, उसमें जो मजीद ब्रिगेड है उसकी तरफ से कहा गया कि ये हमने किया है और उन्होंने क्लेम कर दिया। इसी के साथ TTP जब कोई हमला करती है वो भी साथ ही क्लेम कर देती। देखिए अब आप करेंगे क्या। इसकी वजह ये कि ये जो शांगला प्रोजेक्ट है यहाँ पर तो डजन्स नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज जो हैं वो काम करते हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी आप कैसे लेंगे? वो क्या उनका आना जाना कहीं पर आप ख़त्म हो जाएगा? कैसे आप उनको क्या करेंगे उनके साथ? दिस इज़ अनबिलीवेबल। और देखिए पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन पर मौजूद है कि जहाँ पर बिटवीन डेवल एंड द डीप सी, कि अगर पीछे मुड़ के देखता है तो पता चलता है कि पीछे खाई मौजूद है, आगे जो है वो बला है। तो या तो आप बला से बच जाएं और या फिर आप खाई में गिरने से बच जाएं। तो ये जो बला है वो एक नहीं है, बलाएं भी कई एक है जो सामने खड़ी हैं और जो पीछे खाई है वो भी बड़ी गहरी है। तो देखिए आपके इर्द गिर्द आप कहीं पर भी देख लें इस वक्त जो सूरत हाल है कोई ऐसा नहीं है कि जो इस सिचुएशन में मदद कर सके। अच्छा, मदद करता कौन है? IMF। IMF आता है और उसे कहते हैं जनाब कि ये जो इकोनॉमी वाली खाई है इसमें गिरने से हमें बचा लें, बाकी BLA और इसको जो है वो तो हम दायरे के क्या करें, वो तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए आप किस किस से लड़ेंगे? तो आप किस किस से लड़ेंगे? आप अफगानिस्तान से लड़ेंगे, आप कलदम TTP से लड़ेंगे, आप दाइश से लड़ेंगे, आप BLA से लड़ेंगे, आप मजीद ब्रिगेड से लड़ेंगे, आप ऐसे 10 और ग्रुप्स जो हैं उनसे लड़ेंगे, आप इंडिया से तो आप लड़ेंगे ही लड़ेंगे और खाली खुली आप चूरन बेचते रहेंगे और आप ये कहेंगे कि हम जो हैं वो पाव पाव भर के बम उठा उठा के फेंकेंगे और कश्मीर पे जो है वो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि आप कुछ नहीं कर सकते। आप इस तरीके से खाली हाथ हैं कि आप हाथ पांव तक नहीं हिला सकते। इकोनॉमी की वो सिचुएशन है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसी वजह से मेरा ख्याल है वो कहा है ना इसहाक डार साहब ने कि हम तिजारत करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो अब लोग आपसे ट्रेड नहीं करना चाहते। लोग ट्रेड तो दूर की बात, लोग बात नहीं करना चाहते। तो पूरी दुनिया में किसी से आपके ताल्लुकात नहीं अच्छे, किसी से आपने ऐसे रिलेशंस बना के नहीं रखे। चले जो अरब कंट्रीज हैं, अब तो आप देखिए कि अभी जो सऊदी अरेबिया और UAE के साथ किसकी हुई हैं ये जो जंगे मशकें हुई हैं, ये जो प्रैक्टिसेस हुई हैं, ये कहाँ पर? और वहां पर राजस्थान के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ इंडिया की जंगी मशकें हुई हैं सऊदी अरेबिया और UAE की फौजों के साथ। ऐसा कभी हुआ था? तो उनका हो रहा है और वो आपके बॉर्डर के पास ही ये कर रहे हैं। तो वो ये बता रहे हैं, ये इंडिकेटर है कि जो तुम्हारे तुम समझते हो कि मुस्लिम उम्मा के नाम पर तुम्हारे बस दोस्त हैं, चलो सब छोड़ भी जाएंगे, छोड़ के चले गए, लेकिन एक जो है वो सऊदी अरेबिया, वो तो हम उनको भी तुमसे जो है वो ले जा रहे हैं। अब वो भी तुम्हारे काम नहीं आ सकते, अब वो भी हमारे काम आएंगे क्योंकि उनकी हमसे ट्रेड है, हमसे इन्वेस्टमेंट है। ऐसी सिचुएशन में आपको स्ट्रेटजी वो चाहिए होती है जिसमें वो आप ये कहें कि भाई आगे बढ़ना है, इन झंझट से निकलना है, लेकिन जो माइंडसेट है वो
वो चेंज करने की जरूरत है। तो क्या माइंडसेट जो है वो आप चेंज कर पाएंगे, अपनी जनरेशन का माइंडसेट चेंज कर सकेंगे, दहशतगर्दी से ना सिर्फ अपने आप को निकालें बल्कि जो दहशतगर्दी का दूसरी तरफ से एक ताना आता है, ताना क्या आता है, जो दूसरी तरफ से मुंह भर के ही कहा जाता है कि दहशतगर्दी जो है करवाई जाती है, क्या उसको जो है वो ख़त्म किया जा सकेगा, दूसरे मुल्कों को बजाय दुश्मन बनाने के दोस्त बनाया जा सकेगा। क्योंकि इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है कि जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर तो हैं ही हैं दुश्मनियाँ, लेकिन अब वो मुल्क के अंदर इस तरीके से जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन है उससे निकलने का रास्ता बहरहाल अथॉरिटीज़ को पता होगा, हुकूमत को पता होगा, हुकूमतों को पता होगा नई हुकूमत जो है वो कैबिनेट में कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, आगे जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो करने पर अगर आप लोग लगे हुए हैं तो ये जो हालात हैं। खैर वैसे भी आप जानते हैं सारा काम जो है ना वो तो हुकूमत के उसका होता भी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत सारा काम करना होता है, तो वो कुछ तो काम ऐसे हैं जो हुकूमत कर ही नहीं सकती। और बस हाँ ये हो सकता है, ये किया जा सकता है जो कि शहबाज शरीफ कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर दौड़ा भागा जो है ना, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा वो फटाफट पहुँच जाते हैं वहाँ पर और जनाब कहते हैं कि बस ये हो गया तो वो हो गया, हम जो है ये हैं। इससे जो है मुझे लगता है कि अब काम नहीं बनेगा। इसकी वजह ये है कि अब आपको इससे आगे निकल के इन ये जो हो रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है ड्रामा, एक बहुत बड़ा एक ऐसी क्योस, इसको आपको ख़त्म करना होगा। अगर आप इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो देखिए 60% यूथ जो है वो इस वक्त मायूसी की तरफ, शदीद मायूसी की तरफ जो है वो जा रही है, उसको उससे भी आपने बचाना है। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये लाहर नाले के मुकाम पर ये अभी एक चीनों वालों की गाड़ी के साथ कोई धमाका पेश आया है, आप देख सकते हैं नीचे गाड़ी नीचे पड़ी हुई है, आग लगा हुआ है, पूरा ट्रैफिक जाम है और पता नहीं बीच में कितने बंदे थे, ये गाड़ी चीनों वालों की थी, कोई धमाका हो गया है लाहर के नाले के मुकाम पर, ये आप देख सकते हैं अभी अभी कोई 2-5 मिनट हो गए हैं, बीच में पता नहीं कितने चैना वाले थे ये पता नहीं थी, लेकिन कंफर्म पता नहीं है।